व तसेच देगलूर तालुक्यातील ताज्या आणि महत्वपूर्ण बातमीपत्रासाठी आजच आमच्या ताजा हालात न्यूज लाईव्ह या चॅनलला लाईक करा आणि करा ओम शांती आज है रंगों का त्यौहार होली सबसे पहले आपको और आपके परिवार को प्यार और सम्मान की शुभकामनाओं के साथ एक उज्जवल रंगीन हर्षित होली की ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से शुभकामनाएं आज ज्यादातर लोग कोरोना महामारी की वजह से घर में ही बैठे होंगे और वह होली की मीठी मीठी यादें सताती होगी है ना? आज बाहर जाकर होली खेलना खतरे से खाली नहीं है आज हम घर के अंदर रहकर होली कैसे मनाना है यह देखेंगे आज सच्ची होली के त्योहार का चिंतन करने की जरूरत है क्योंकि होली तो हम हर साल मनाते आए हैं लेकिन दिनों दिन होली त्यौहार विकृत रूप लेती दिखाई दे रहा है एक तरफ हम जल दिन मनाते हैं दूसरी ओर होली में पानी का व्यय करते हैं लोग कहते हैं आज होली मनाएंगे परंतु लोग हर आने जाने वाले पर रंग डाल देते हैं जिससे कई लोग रूठ जाते हैं नाराज हो जाते हैं यह भी कैसा मनाना है जिसके कारण सरकार को पुलिस तैनात करना पड़ता है यह कैसा उत्सव है करोड़ों रुपए का रंग लोगों के कपड़ों पर डालकर राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति को नकारा किया जाता है कुछ वर्षों से होली की आड़ में लोग एक दूसरे का अपमान करते एक दूसरे को भला बुरा कहते जिससे वातावरण दूषित होता है कोई कोई लोग तो ग्रंथों की आड़ में देवताओं के नाम पर भी बट्टा लगाते हैं इसे देख बहुत से शिष्ट लोगों के मन में इस त्योहार के प्रति घृणा पैदा हो गई है अतः आवश्यकता है कि हम होली के पावन त्यौहार के वास्तविकता और आध्यात्मिकता इस रहस्य को जानकर मनाए तभी मानव मात्र में एक नई जीवन दिशा उदय हो सकेगा तो आइए होली मनाने का तरीका जानते हैं होली का त्योहार शिवरात्रि महापर्व के बाद फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है लोग इसे चार प्रकार से मनाते हैं पहला एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं अर्थात संस्कार और स्वभाव मिलाने की प्रेरणा दिलाते हैं। दूसरा होलिका जलाते हैं जिसका अर्थ है अपने किए हुए बुरे बुरे कार्यों को को और बुरे विचारों अग्नि में स्वाह करना तीसरा मंगल मिलन मनाते हैं, जो हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने अंदर से ईर्षा द्वेष आदि को मिटा दे चौथा कई लोग श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं जिससे हमारे अंदर भी उल्लास आता है कि हम भी इसकी भांति अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहे होली के इन रीतियों पर ध्यान दिया जाए तो भारत में देसी वर्ष फाल्गुन की पूर्णमासी को समाप्त है तथा फाल्गुन की पूर्णमासी की रात्रि को होलिका जलाने का तात्पर्य है पूरे हुए वर्ष की गलतियों बुरे विचारों को अग्नि प्रवाहित कर दे और शुरू होने वाले वर्ष के प्रथम मास से हस्ते गाते पवित्रता का पालन करते चले अर्थात होली शब्द का तो उच्चारण है ही होली अर्थात बात होली उसका चिंतन न किया जाए बीती को विसार दे आगे की सुधी ले इसी भाव का वाचक है होली परंतु इसका यह अर्थ कदापि यह नहीं कि बीती हुई बात का बदला लेना या अपमानित करना नहीं बिल्कुल भी नहीं इसके अतिरिक्त पूर्ण हुए वर्ष के अंत में इस पर्व को मनाना गहराई से इस बात का परिचय देता है कि यह त्यौहार कल्प के कलिकाल के अंत में मनाया गया है जिसके बाद सतयुगी दुनिया के सुख शांति तथा पवित्रता संपन्न दिन शुरू हुए और स्वयं पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं मीठे बच्चे अगर तुम मुझसे मन बुद्धि से योग लगाएंगे तो उस योगाग्नि से तुम्हारे आत्मा के ऊपर बुरे संस्कार बुरे विचार तथा विकार जिन्होंने तुम्हें दुखी दरिद्र बनाया है जलकर तुम पवित्रता सुख शांति को पाएंगे इसकी याद दिलाने के लिए भक्ति मार्ग में होलिका को प्रतीक रूप से दिखा दिया है या हिरण्य कश्यप की कहानी दिखाई जाती है सबसे बड़ी बात तो यह है कि होलिका रंग के साथ क्या संबंध वास्तव में तो ज्ञान रंग अथवा सत्संग रंग ऐसा रंग है जिससे मनुष्य बीती को बिसार आगे के लिए अपने कर्मों को सुधार सकता है और ही बात को मन से निकालकर अब से अपने संबंधी एवं परिचित व्यक्तियों से मन का नाता प्रेममय बना सकता है ज्ञान के अनेक पर्यायी वाचक शब्द है जैसे अंजन अमृत अग्नि आदि आदि उसी प्रकार ज्ञान को रंग भी कहा जाता है होली के त्योहार पर ज्ञान रंग लगाने की बात है ज्ञानी मनुष्य अपने संबंध संपर्क में रहने वाली आत्माओं को ज्ञान का रंग चढ़ाता है परमात्मा से संबंध जुड़वाकर परमात्मा से शक्ति लेने की विधि बताता है जब मनुष्य स्वयं ज्ञान में रंगा हो और दूसरों को भी ज्ञान में रंगे तब वह आनंदित होता है इसको ही मिठाई या खिलाने के रस्म दिखाते हैं इसलिए ज्ञान रंग एक दूसरे को रंग कर तथा मन के कुसंस्कारों का कचरा दग्ध कर दे यही होली और होली होलिकोत्सव का वास्तविक रहस्य है तो आइए आज हम आपको सच्ची होली खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं स्वयं ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित हुए हैं और ज्ञान रंग डालकर आप समान पवित्र बना रहे हैं तो आइए नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाकर परमात्मा ज्ञान रंग लगाए फिर से आप सभी को ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं ओम शांति लेटेस्ट न्यूज़ के लिए अभी ताज़ा हालात न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब करें